मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आवश्यक जानकारी लेकर के आया हूँ। YCMOU के BEd एडमिशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज आप देखेंगे कि मैं आज आपको BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है शिक्षा के क्षेत्र में, यदि आपके पास BEd या DEd की सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में अधूरे माने जाते हैं। भले आप M.Com कर लें, भले आप MBA कर लें, भले आप कोई भी डिग्री कर लें, लेकिन अगर आप बीएड नहीं किए हैं तो शिक्षा जगत में आपको अच्छे स्तर पर पहुंच पाना चैलेंजिंग हो जाता है। वीडियो के अगले भाग में आप देखेंगे कि कैसे मैं आपको डेट्स बताऊंगा, एडमिशन डेट्स। मैं आपको बता दूं, एडमिशन चालू हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसे मतलब जिस एडमिशन के भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट भरने का चांस लगेगा, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद एडमिशन लेंगे। तो एडमिशन का डेट नहीं है 1 to 16, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है और यह डेट कंटिन्यू होकर के 29 सितंबर तक एंड होगा। मतलब आपके एडमिशन की लास्ट डेट 29 सितंबर होगी। तो मित्रों, बीएड होता क्या है? बीएड एक ऐसी चीज होती है जो ग्रेजुएशन के बाद या डीएड के बाद कोई भी कर सकता है। इस डिग्री के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी आगे दे रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि प्रॉस्पेक्टस क्या है, क्या आवश्यक चीजें हैं, कौन एडमिशन ले सकता है। लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि बीएड करने के बाद हमारे अंदर एक ऐसे गुणवत्ता का विकास होता है, एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास होता है जिससे बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है, बच्चों को जानकारी दिया जा सकता है, उनको एक नए शेप में डाला जा सकता है। यदि टीचर ने बीएड किया है तो अवश्य उसके अंदर वह गुण हो जाता है जिससे बच्चे भविष्य में निकल करके राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि YCM का बीएड होता क्या है, YCM का बीएड क्या अप्रूव्ड है, अगर अप्रूव्ड है तो कहाँ से अप्रूव्ड है, और उसके फायदे क्या हैं, कौन कौन कर सकता है, कितने दिनों का कोर्स है, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है तो जनरल कोर्स 2 साल का होता है, ये कोर्स हम देखेंगे कितने वर्ष का होता है। और इस वीडियो के लिंक में मैं 2 4 पिछले वर्ष का जो एडमिशन हुआ था बीएड का, या 2019-2021 का डिटेल है, बाकी पिछले वर्ष के वीडियो के डिटेल्स में अपनी वीडियो के जो डिटेल सेक्शन है, जहां आप मेरा नाम ब्रजेश पांडे लिखा रहता है, सब्सक्राइब करते हैं रेड बटन पर, उसके नीचे ही आप जाएंगे तो डिटेल सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स दिख जाएगा, वहां आप पर क्लिक करके बाकी वीडियो के लिंक। तो मित्रों, सबसे पहले आप मेरे डिटेल्स में मेरे वीडियोज डिटेल देखते रहिए और ये भी देख लीजिए कि क्या बहुत सारी जानकारी है, आप कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ। वीडियो अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा देर रुक जाइए, वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, या एक बार देख करके दोबारा देखेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। ऑनलाइन अर्ज भरण्याची जी मुदत आहे, जी डेट आहे, त्याची डेट 1 ऑगस्ट पासून सुरू झालेली आहे। 16 ऑगस्ट लास्ट मत मानिए मित्रों, क्यों? क्योंकि सर्वर डाउन हो सकता है, क्रैश हो सकती है वेबसाइट, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता है। पूरा वेड़ा पत्रक मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा वीडियो है, रख दीजिए कहीं सिस्टम को, अपने मोबाइल को, अपने टीवी को या अपने कंप्यूटर को, और अच्छे से ईयरफोन लगाकर अच्छे से देखिए। 16 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अर्जाचे स्वयं संपादन मुदत, खुद से आप अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो 17 से 3 दिन तक चलेगा, 19 तक। लेकिन ध्यान रखना, ऑनलाइन की डेट 16 को क्लोज, मतलब क्लोज, उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि UGC अप्रूवल नहीं देगा उसके आगे। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, शेड्यूल बीएड का शेड्यूल दिखा रहा हूँ YCM यूनिवर्सिटी का। 19 तक खुद से करेक्शन कुछ करना है तो करके फिर कंप्लीट कर देना है। उसके बाद 22 अगस्त को यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पर दिखा देगी कितने लोग हमारे यहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है? ऑनलाइन अर्ज विभागीय केंद्र पर अर्ज पड़ता नहीं। फिर 24 से 2 सितंबर तक हर रीजनल सेंटर पर यह चीज चलेगी, पड़ताल नहीं होगी। जितने हमने रिक्वेस्ट भरे हैं 1 से 16 तक, उन सबका वेरिफिकेशन होगा, क्या डॉक्यूमेंट दिया, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। इसलिए फॉर्म आराम से भरिए, 1 2 दिन लगाकर आराम से, इट टेक योर टाइम। 10 अगस्त तक कंप्लीट करो। सामान्य गुणवत्ता यादी, जो जनरल यादी है, 4 सितंबर को पहली यादी आएगी। हरकती नोन 3 दिवस तक। जो न समझे वीडियो के डिटेल में कमेंट करना, बताऊंगा। प्रथम फेरी प्रवेश गुणवत्ता, जो फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं शीट जाहिर होती है, यादी जाहिर होती है, वो है 12 सितंबर को, आपको पता चल जाएगा कि कौन है प्रवेश। एक के बाद देखो, प्रथम फेरी लिखा है ना, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है बहुत सारी ऐसे 1 2 3 4 बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। प्रवेश घेण्याची मुदत 12 सितंबर से चालू हो जाएगा, जिस दिन से लिस्ट लगेगी उस दिन से एडमिशन चालू, 12 13 14
सेवन 1 वीक चलेगा, फिर अभ्यास केंद्र पर रिपोर्टिंग, अभ्यास केंद्र पर 3 दिन आगे रिपोर्टिंग, फिर दूसरी, देखो ये प्रथम फेरी का है, ये दूसरी फेरी का, ऐसे तीसरी चौथी भी हो सकती है, लेकिन कोई गारंटी कोई जवाबदारी 29 तारीख में मान के चल रहा, दे विल ट्राई टू क्लोज दिस। अच्छा पिछले ईयर में क्या हुआ था, कितनी यादी आई थी, कैसा कैसा चला था, उस सब की डिटेल इसी वीडियो के डिटेल सेक्शन में लिंक दी हुई यूट्यूब पर, आप देख लीजिए मेरे ही द्वारा बनाए गए वीडियो। तो ये रहा आपका पूरा टाइम टेबल, जिसको मराठी में हम वेड़ा पत्रक कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं यूनिवर्सिटी ने कैसे नोटिफिकेशन जाहिर किया है। और वैभव ठाकरे पांडे साहब को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे सही समय पर फ़ोन करके बोला। मित्रों आप अपनी बहुत सारी डिटेल हमें brijeshpandey99@gmail.com पर भेज सकते हैं, या जिन्हें मेरा नंबर है वो भेजिए, या फिर ईमेल आईडी, या कमेंट करिए सर मुझे ये डिटेल आपसे शेयर करनी, मैं बिल्कुल आपकी डिटेल लेकर के YCM के जितने स्टूडेंट विश्व भर में हैं इंटरनेशनली, जैसा कि आप जानते हैं कि अपना चैनल विश्व का ओपन यूनिवर्सिटी का पहला चैनल है जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, तो आप इतने बड़े चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, ये मेरा भी सौभाग्य है आपका भी सौभाग्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ कमेंट करने में और मुझसे संपर्क साधने में बिल्कुल आप देरी या किसी प्रकार की कोई झिझक मत रखिएगा। सबसे पहले मैं बताना, जैसा कि वीडियो में पहले प्रॉमिस किया कि यह अपना जो यूनिवर्सिटी है यह डिग्री मान्यता प्राप्त है ENCTE द्वारा, एक सर्वोत्कृष्ट संस्थे साठी कॉमनवेल्थ का हमें पुरस्कार मिला है YCM को, और क्या है पूरा पुरस्कार का नाम फिर से देख लीजिए, सर्वोत्कृष्ट संस्थे साठी कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। कैसी गुणवत्ता है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल गुणवत्ता। इस पुरस्कार सम्मानित कौन है, YCM यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, यशवंत राव चौहान। और YCM की सबसे बड़ी पहचान बता दूं, सिलेबस का फॉर्मेट इतना इजी है कि पास होने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा तकलीफ नहीं लेती। और जो फीस है मित्रों, दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जो YCM के जितना कम फीस रखती होगी, दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटी का वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रवेश सूचना निकली, कहाँ निकली मित्रों, सकाड़ के न्यूज़पेपर में। कब निकला है, आज निकला है, आज कितना तारीख है, 3 अगस्त है, पेज नंबर 7 पर जाकर देख लेना, ई पेपर भी देख लेना, मैं आपको ये डिटेल दे देता हूँ। वैभव जी धन्यवाद। चलिए पात्रता क्या क्या है पहले देखते हैं, इसके बाद मैं आपको एक बहुत यार सरप्राइज जानकारी दूंगा, वीडियो के अंत में दूंगा कि डेट से जुड़ी हुई एक जानकारी और सरप्राइज जानकारी रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं मैं काफ़ी फेमस हूँ प्रेडिक्शंस के लिए, प्रेडिक्शन मेरा 99% सही जाता है, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, चाहे वह डेट्स हों, चाहे रिजल्ट डेट्स हों, चाहे एटीकेटी डेट्स हों। अच्छा चला एटीकेटी की बात आई है, एटीकेटी की डेट्स की बता रहा हूँ, एटीकेटी अगस्त नहीं, अगस्त लास्ट वीक या सितंबर के 15 तारीख तक आएगी, बाकी मित्रों को बता देना। यह वीडियो शेयर करने में बिल्कुल शर्माना मत, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं करके और ब्रजेश पांडे का चेहरा देखकर लौट जाते हैं। प्रवेश पात्रता के लिए 3 चीज़ें इसमें दी दी गई हैं, मैं आपको प्रॉस्पेक्टस भी बता रहा हूँ, रुकिए थोड़ा टाइम। कम से कम 2 वर्ष शिक्षक मढ़ून महाराष्ट्रातील सरकार मान्य प्राथमिक शाळेत, कुठली ही शाळा जी आहे प्राथमिक शाळा आहे, पण तो शाळा कसं पाहिजे, सरकार मान्य पाहिजे, त्या शाळेत शिक्षक म्हणून किमान 2 वर्ष पूर्ण अनुभव आणि सध्या सेवेत असणे आवश्यक आहे। ये जो है पहली आपकी और सबसे इम्पॉर्टंट प्रवेश पात्रताचा अटी आहे, इम्पॉर्टंट मतलब जो होते हैं ना रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी। दूसरा क्या, मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी मतलब डिग्री, BA BCOM BSc, पदव्युत्तर पदवी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मिनिमम 50%, इसके नीचे हैं तो भूल जाना, इसीलिए कहता हूँ पढ़ाई में ध्यान लीजिए। और चाहे ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, चाहे UGC की किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी, UGC की मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए बस, YCM इग्नू सबकी चलेगी। DED पूर्ण के ले ले, अगर आपने DED किया है तो भी, और आपने डिग्री नहीं की तो भी आप कर सकते हैं। इसकी जो माहिती पुस्तक है प्रवेश जो माहिती पुस्तक, ये दोनों की लिंक मैं वीडियो में दिखाऊंगा कहाँ मिलेगा, और जो आप लोग ऑनलाइन एडमिशन दे रहे हैं, एडमिशन के पहले जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उसकी फ़ीस 800 है, जो कि ऑनलाइन आपको भरना है, और वेबसाइट आपको पता ही है, इस वेबसाइट पर मिलेगी। और मैं ऑनलाइन अर्ज भरने की, जनरली आप जानते होंगे 11:59 11:59 PM होता है हर गवर्नमेंट या किसी पोर्टल का,
लेकिन ये YCM पहली बार आप देख रहे होंगे सायंकालीन 5 बजे पर्यंत 16 अगस्त के रहेगा, मतलब 15 अगस्त ही मान के चलिए, 15 अगस्त को बहुत सारे स्कूल कॉलेज छुट्टी रहती है, इसलिए 14 अगस्त ही मान के चलिए, तो ज़्यादा समय अपने पास नहीं है, 10 अगस्त तक अपना एडमिशन कंप्लीट करो। दो यूनिवर्सिटी की दो वेबसाइट है जैसा कि आप जानते हैं, YCM.ac.in, YCM.ac.in। 16 अगस्त तक कंप्लीट करना, उसके बाद कोई डेट नहीं मिलेगी। डेट में एक नया ट्विस्ट आने वाला है, उसको मैं वीडियो के लास्ट सेक्शन में बताने वाला हूँ। चलिए हम लोग क्या देख लेते हैं, माहिती पुस्तक जिसको हम लोग प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। यह प्रॉस्पेक्टस मित्रों जो आप लोग देख रहे हैं, यह यूनिवर्सिटी की एक इंटरनल मीटिंग हुई, उस आफ्टर मीटिंग के बाद 25 जुलाई को प्रॉस्पेक्टस बन गया था, यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया बाद में। टोटल मैं एक बार फिर से आपको बड़ा पत्र दिखाऊंगा जो आपने कोई नहीं बता पाएगा कि जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस 36 पेज का है, 36 पेज कोई स्टूडेंट पढ़ना नहीं, जो पढ़ता है वो स्कॉलर होता है, वही टॉपर होता है, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़ने वाले स्टूडेंट नॉलेज स्टूडेंट होते हैं, मतलब उन्हें सब कुछ आता है। अगर 36 पेज के प्रॉस्पेक्टस में कोई पेज, कोई पन्ना, कोई लाइन कुछ नहीं समझ रहा है, प्लीज़ कमेंट इमीडिएटली, बिल्कुल शर्माइए घबराइएगा नहीं, एक कमेंट पर नहीं आंसर देता हूँ, दूसरे वीडियो पर जाकर दूसरा कमेंट करो, या मेरे ईमेल आईडी मैंने आपको बताया उस पर जाकर के लिखिए, आपको ब्रजेश पांडे मुझे रिप्लाई दो आप। सर पहले वर्ष में आप इसमें जुलाई हैं, जुलाई में जाहिरात आ गया, चलो लेट हो गया, अगस्त तक आ गया तो ठीक है, अगस्त में चालू हो गया, सितंबर तक प्रवेश निश्चित ही हो जाती है। सितंबर पहला अठवाड़ा फर्स्ट वीक में आपकी प्राप्ति व अधोदन कृति सत्र शुरू हो जाता है। अक्टूबर नवंबर प्रथम संपर्क सत्र चालू होकर के नवंबर ते में अभ्यास केंद्र और संगणक संबंधित प्रात्यक्षिक कार्य सारे कंप्लीट कर लिए जाते हैं। मार्च में आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना पड़ता है और मई में आपकी परीक्षा हो जाती है ईयर 1 की। किसकी? ईयर 1 की। जुलाई से मई तक का ये रहा आपका वेड़ा पत्रक, शैक्षणिक वेता पत्रक या टाइम टेबल। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, फिर से द्वितीय वर्ष प्रवेश निश्चिति निश्चित किया अल्लाह धोरणानुसार में संपूर्ण महीना, जैसे यहाँ रिजल्ट होता है, ध्यान देना दो चीज़ें मैच कर रही हैं, यहाँ अंतिम परीक्षा हुई नहीं, यहाँ तुरंत संपूर्ण महीना द्वितीय कृति सत्र 22 दिवस के लिए प्रात्यक्षिक व समंतर में चालू हो जाता है। बीच में एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती, 2-4 दिन मिलता है, बट यूनिवर्सिटी के संपर्क में लगातार आपको रहना है। इस 36 पेज में मैं आपको मेन मेन चीज़ बताऊंगा, जैसे मार्क कितने होते हैं, पासिंग मार्क कितने का होता है, फीस क्या है और कौन कौन से सेंटर हैं, बाकी चीज़ें आपको पता ही है। 1500 कुछ सीट्स हैं YCM को मिली हुई हैं, जिसमें कि 30 से 32 सीट हर जिले के स्टूडेंट को मिल रही है, और कुछ सेना के लोगों के लिए है और कुछ गोवा, बदर, बिदर इन सब के लिए है जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं। तो मैं संपूर्ण महीना अगस्त में क्या होगा, जून जुलाई चलता रहेगा, चाशनी पाठ हो जाएगा, चाशनी पाठ, यानी नवंबर दिसंबर में ये होगा, मार्च में फिर से मौखिक परीक्षा, मार्च में परीक्षा अर्ज भरने, आई मई में अंतिम परीक्षा, जुलाई अगस्त का निकाल। हे आहे आपली संपूर्ण माहिती जी वेळापत्रक साठी आहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको क्या करेंगे, बहुत सारे डिटेल फटाफट बता देंगे क्योंकि 36 पेज है और समय कम है, वीडियो जानते हैं ज़्यादा लंबा जाता है तो बच्चों को तकलीफ होती है। 1500 सीट है NCET में BED BEd के लिए, YCM को 1500 जगह मिली है, 5% हमें दिव्यांगों के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेना यूनिवर्सिटी के ये प्रॉस्पेक्टस में जा करके, मैं दिखाऊंगा कहाँ से डाउनलोड होता है। उसके पहले आप लोग ये जान लो, अगर कोई समस्या होती है तो BEd के लिए स्पेशल नंबर्स हैं, आप इन नंबर पर संपर्क करें, अगर फिर भी कोई समस्या नहीं दूर होती तो ब्रजेश पांडे का चैनल 24x7 ओपन रहता है, आप बिल्कुल हमें पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये नासिक का एड्रेस है, शैक्षणिक समस्या है तो यहाँ करो नोंदड़ी, व इसमें कुछ एडमिशन में आ रहा है तो यहाँ करो, व्यवस्थापक की समस्या है तो यहाँ, पुस्तक के लिए भंडार प्रमुख साहब को यहाँ लिखिए, न्यायालयीन प्रवेशा संदर्भ भर्ती जनश्री तकरारी कुछ है तो यहाँ करो, वैसे कहीं भी आप संपर्क करें आपका काम होगा ही होगा, और वो आपको गाइड कर देंगे, बहुत अच्छे लोग हैं, परीक्षा संदर्भ में करिए तो यहाँ, लेकिन ये केवल एड्रेस दिया गया है, आपको फ़ोन से काम करना है तो जो फ़ोन नंबर दिए हैं उनका आप सदुपयोग करें। महत्वाचार्य का आया है, विद्यापीठाशी करावयाचा पत्र व्यवहार पोस्ट स्पीच पोस्ट ने करावा, व्हाट्सअप किंवा कुरियर मार्फत करूँ नहीं, त्याची दखल घेना त्याना नहीं, भविष्य में नहीं कर सकते हो सके तो इंडिया पोस्ट की सहायता आप लीजिए। आगे बढ़ते हैं, संपर्क का पता मैं आपको समय समय पर देते रहता हूँ भाई, ये आपके 35 स्टडी सेंटर्स हैं, 35 स्टडी सेंटर्स विथ कॉन्टैक्ट नंबर, नहीं कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है, किसी मित्र को बोलो भाई स्टडी सेंटर जाकर जरा पता करो क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। ठीक है, और ये स्टडी सेंटर अगर नहीं जवाब दे रहा है तो सीधा यहाँ पहुँचिए और विजिट करके आइए, लेकिन डायरेक्ट नासिक आने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, सांगली सिंदूर कोल्हापुर के लिए, हाँ ये कोल्हापुर सेंटर, ये नांदेड़ सेंटर था,
ये पुणे सेंटर है, पुणे सतारा सोलापुर, पुणे सेंटर। ये लोग नहीं सुनते, कोई डाउट है कुछ नहीं पहुंच पा रहे, कुछ प्रॉब्लम है। नंदुरबार इन सबको लेकर कहाँ है? पूरा नासिक, थोड़े जलगांव नासिक, पंडित कॉलोनी हो गया। चलिए चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, इन सबको कोई प्रॉब्लम है? नागपुर रीजनल सेंटर में आप आइए। वीडियो पॉज करके आप इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं। कोई समस्या है तुरंत मुझे कांटेक्ट करो। ठाणे, पालघर या दून जिला साठी एक ही सेंटर है। सेवा सदन कॉलेज ऑफ एजुकेशनल सेंट्रल हॉस्पिटल समूह सेवा सदन में उल्लास नगर, ये सेंट्रल लाइन पे पड़ता है। वेस्टर्न लाइन पे अभी तक मुझे कोई सेंटर दिखाई नहीं दिया है। मिल गया, मिल गया, धोबी तलाव, मुंबई वन, चरनी रोड के पास, सेकेंडरी ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मुंबई, परेल, दादर, भाईखला, ग्रैंड रोड, सब सेंटर का, सायन, मुलुंड, सब तालुका को लेकर के यहाँ बना हुआ। और यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ग्रैंड रोड के ऑफिस में आप जा सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और भांडुप इन सब के लिए फिर से चेंबूर नाका है, सेंट्रल लाइन पर आपका आ जाएगा। ये बोरीवली, कांदीवली, कोरेगांव, अंधेरी, इन सबको मिलाकर के एक सेंटर यहाँ बना हुआ है। मुंबई के लिए जानकारी थी। औरंगाबाद के लिए आप देख रहे हैं, औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, ये कॉलेज के नाम है। आपको पढ़ाई यहाँ करनी है, ये केवल मैं सहायता के लिए ऑफिस का, रीजनल ऑफिस का डिटेल दे रहा हूँ। यवतमाड़, वाशिम, औरंगाबाद के लिए ये सब आपके हैं। अभ्यास केंद्र का नाम, ये उसका अभ्यास केंद्र का जो संकेतांक है, और कोई समस्या आती है तो ये आपका रीजनल ऑफिस है। चलिए ये जानकारी मिल गई, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग देख लेना। और ये डाउनलोड कैसे करना है मैं थोड़ी देर में वीडियो में बताऊंगा। टोटल फीस कितनी मित्रों? टोटल फीस आपकी 40 से 50 हज़ार रुपये, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और टोटल। टोटल 42,100 है, लेकिन थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके 40 से 50 हज़ार, 50 हज़ार के ऊपर हलालत नहीं जाएगी। फर्स्ट ईयर में आप देख रहे हो विद्यापीठ का शुल्क है 10,250, अभ्यास केंद्र का 10,500, 10,850, 10,500। ये फर्स्ट ईयर का 20,750, दूसरे साल का 21,000, आपको ईयर वाइज देना है, एक साथ नहीं देना है। विद्यापीठ का शुल्क विभाजन, अगर कोई पूछता है विद्यापीठ हमसे इतना फीस क्यों ले रही है, तो सारा आपको एक एक करके डिटेल बताई हुई है। इन द सेम वे अगर कोई पूछता है कि स्टडी सेंटर की फीस 10,500 क्यों ले रही है, तो ग्रंथालय, समंतरण, संगणक, मूल्य शिक्षण, प्रात्यक्षिक, इन सब के लिए आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये रही फीस की बात, कुछ ना समझे तो पूछना। मिनिमम आपको 80% अब्सेंट प्रेजेंटी देना है कॉलेज में, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब आपको बता रहा हूँ मिनिमम 50% मार्क लाने अत्यावश्यक, अगर 50% नहीं ला रहे हो तो बीएड की डिग्री नहीं मिलेगी। किस में? वाइवा में कि थियरी में? दोनों में, 50-50 दोनों में लाने, ठीक है ना? 50-50 मार्क मतलब 50-50% कम से कम लाने हैं। तो कितना परसेंट आपको उपस्थित रहना है? 80% उपस्थित रहूँ सर, प्रात्यक्षिक कार्य व्यवस्थित पूर्ण केल्याबद्दल, एकत्रित असे अभ्यास केंद्र प्रमुखांचे प्रमाण पत्र छात्राध्यापकाने घेतले पाहिजे, नहीं तो नहीं होगा। एक चीज़ और बता दूं, जो कुछ लोग कुरियर से यहाँ से भेज देते थे मेरा ये डॉक्यूमेंट है, अब कुछ मान्य नहीं होगा। जो कुछ होगा, चाहे वो आसाम के नॉर्थ ईस्ट हो, कहीं के भी हो, आपका यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ही सर्वमान्य है, उसी पर आपको जाकर एडमिशन लेना, बाकी दूसरा कोई ये नहीं। ये आपके सब्जेक्ट से मित्रों 10 लाइन दी हुई है, अनिवार्य अभ्यासक्रम, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और ये आपके कुर्ते ही एक विषय खालिल पैकी, इनमें से कोई एक विषय आपको लेने हैं, वैकल्पिक अभ्यासक्रम। आप जब पढ़ने एडमिशन हो जाएगा तो और आपको आ जाएगा। ये रहा द्वितीय वर्ष की कहानी, अब मैं फर्स्ट वर्ष में चलूँगा। ध्यान रखना, एक बार आपने जो ले लिया वो मॉडिफाई नहीं होगा, इसलिए सोच विचार कर लीजिएगा। यहाँ से 4 विषय जो हैं अनिवार्य हैं, बाकी बाकी जो हैं आपके वैकल्पिक हैं। वैकल्पिक मतलब आप इसको ऑप्शनल है, कोई एक ले सकते हैं जिस भाषा से आप कर रहे हैं, अध्यापन शास्त्र, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र। अब यूनिवर्सिटी ने इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए इतना काम किया, तो आपका भी कुछ फर्ज होता है, आपका भी कुछ अधिकार है, आपका कुछ मौलिक कर्तव्य है, उसको आप कंप्लीट करें। अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें और पूछिए। और मैं आपको ये बता दूं, यूनिवर्सिटी लास्ट मोमेंट पर 2-4 दिन की बढ़त दे सकती है, 2-4 दिन का डेट कम ज़्यादा कर सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन इसका चांस इस बार न के बराबर लग रहा है, बहुत कम चांस लग रहा है, इसलिए लास्ट डेट बढ़ेगी या लेट फी के साथ डेट बढ़ेगी, ऐसा आप मन से विचार निकाल देना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वेरिफिकेशन टाइम पर होगा,
कॉलेज अगर 10 बजे बुलाया है तो 9:30 बजे पहुँचे, 2 बजे बुलाया है तो 1 बजे पहुँचिए। फ़ोन से अपने मित्रों के भरोसे ना रहें, संपर्क करते रहें फ़ोन से, रीजनल ऑफिस, यूनिवर्सिटी, मेरे चैनल पर भी पूछ सकते हैं। मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो दूसरे पर आप करें। ध्यान रखना है, अगर आप ओपन कैटेगरी हैं तो मिनिमम 50% मतलब 49.5 है तो भी चल जाएगा, और अगर आप मागास वर्गीय हैं तो 45% से के ऊपर, 44.5 के ऊपर रहेंगे तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। डीएड वही चलेगा जो शासन मान्यता प्राप्त है, कम से कम 2 वर्ष का और 4 वर्ष अनुभव तब चाहिए आपको। ये डिटेल दिया गया है, शिक्षकम प्रवेश पात्रता जो है, यहाँ डिटेल प्रवेश की अपात्रता क्या है। अगर आपने कोई गलत जानकारी दे दी पोर्टल पर ऑनलाइन समय, आप अध्यापक नहीं फिर भी करना चाहते हैं गलती से, तासिका वेतनावर कार्यरत हैं तो भी नहीं, यूजीसी मान्यता नसरेला विद्यापीठा से पदवीधारक हैं और एडमिशन भर दिया, तो आपके 800 रुपये खराब हो जाएंगे और यूनिवर्सिटी बिल्कुल आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। और ये रहा आपका अवेलेबिलिटी, कितने लोगों के लिए कितना चीज़ है, ठीक है। विशेष मागास प्रखर का बहुत कितने सीट्स हैं और कितने में किसको कितना मिल रहा है। ये भटका जमाती के लिए इतना है, भटका जमाती 3.5, इतर प्रवासी डब्ल्यू, इतर मागास प्रवर्ग EWS शासन नियमानुसार जो है सब यूनिवर्सिटी ध्यान रख रही। लेकिन आप ये मत सोच के मत बैठिएगा कि अरे मेरा तो नहीं होगा, मैं तो कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल फॉर्म भरिए, ठीक है ना। गोवा बेड़गाम बिदर में क्या होगा, 500 विद्यार्थी के पीछे एक विद्यार्थी का नंबर लगेगा, कैसे लगेगा ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। मुलाखातीचा वेळी त्याचा पडताळा घेण्याते, जो इंटरव्यू होगा उसमें पता चल जाएगा, उसमें भी रिजेक्ट होता है। अनुभवाचे नियुक्ति आदेश व अनुभवाचे दाखले हे मराठी हिंदी इंग्रजी असावे, ऐसा है, ठीक है। और ये आपका है एलिजिबिलिटी इन इंग्लिश, मार्कर रिलेशन दिया गया है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, एलिजिबिलिटी है। 80 श्रेयकांचा म्हणजे सुमारे 26 अध्ययन तासांचा हे कोर्स आहे, 30 से 35 तासांचा अभ्यास एक श्रेयांक के लिए बराबर होगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ दे दी है, ये बीएड का एडमिशन का क्या है। अगर कुछ रह गया है तो आप हमें बिल्कुल बताएं और मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। 800 रुपये भर करके आप एडमिशन ले लीजिए, और ये जो कोर्स आपका है बीएड का जिसका कोड है PAT, इसमें सहभागी बनिए और राष्ट्र का निर्माण करिए। मित्रों जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अभी एडमिशन जनरल एडमिशन भी आपका बंद हो जाएगा 15-16 तारीख तक। अपने मित्रों के वीडियो भेज करके राष्ट्र निर्माण में सहायता करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।